सरकार की नीति है, स्टेज भी बना दिए, लाइट भी लगा दिए, बस कुर्सी लाइए, थोड़ा सा डेकोरेशन कीजिए और अपनी फैमिली को यहाँ पर शादी के लिए दीजिए। और इस बात का मुझे फक्र है, मौलाना ने यहाँ पर कहा कि आई लव यू रईस शेख, मैं कहूंगा आई लव शांतिनगर। कॉर्पोरेशन को कल हमने कहा यहाँ पे दो वॉचमैन रखो, साफ सफाई रखो, क्योंकि इस हॉल में कॉर्पोरेशन का कोई पैसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम में जो लोग 500-500 में बिकते हैं, आपने अकेले सलीम से आप सोचिए कि क्या 500 से आपका घर का गुजारा हो जाएगा, क्या 200 से आपका घर का गुजारा हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा आयरन लगते हुए एक स्ट्रक्चर में नहीं देखा। इसकी लाइफ 15 से 20 साल तो इजीली है, आप खुद देख सकते हैं, पिलर्स देख सकते हैं। भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के 3 डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं, गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी। ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइव इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के शांतिनगर इलाके में। यहाँ पर एक शादी का हॉल है जिसकी ओपनिंग की गई एमएलए रईस शेख द्वारा। मैं आपको बता दूँ, ये पूरा हॉल जो है 85 लाख एमएलए फंड से यहाँ पर इसे तोड़कर दोबारा से नया पूरा बनाया गया, जिसकी आज ओपनिंग की गई है। और मैं जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये वही हॉल है और इसके लिए यहाँ के स्थानिकों ने काफ़ी ज़्यादा एमएलए रईस शेख का स्वागत किया। और जिस तरह से आप ये बच्चे देख रहे हैं, ये इसी हॉल के बाजू में एक मदरसा है, वहाँ के बच्चे हैं जो यहाँ पर इस हॉल को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के जो एमएलए हैं जिनके फंड से यहाँ पर ये निर्माण हुआ, उनका ये सारे बच्चों ने शुक्रिया अदा किया। क्या है पूरा मामला और पूरे वीडियो में आप देखिए किस तरह से लोगों ने एमएलए रईस शेख का स्वागत किया। आज आप शांतिनगर के धर्मपुर हॉल की ओपनिंग करने शादी हो रही है, तो बताएंगे कि कैसे बना है, क्या स्ट्रक्चर है। देखिए, जब 2019 में मुझे पहली निधि मिली थी 65 लाख की, उसमें से सबसे पहली निधि हमने इसको दिया, उसके बाद और 25 लाख दिया, अभी और 15 लाख दे रहे हैं। ये हॉल शादी का हॉल है, यहाँ सबसे गरीब इलाका है हमारा शांतिनगर जो है, तो गरीबों के लिए एक शादी खाने की बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ शादी खाना नहीं, शादी खाना, लाइब्रेरी, बालवाड़ी, हर किस्म का काम मैंने कहा यहाँ पर कीजिए। बच्चे अगर मदरसे के हैं, कोई प्रोग्राम करना है, ये सब यहाँ पर होगा इंशाल्लाह। कॉर्पोरेशन को हमने हैंडओवर किया है, कम से कम चार्ज लेने बोले हैं और कोई मोनोपोली नहीं, कुछ नहीं है, आवाम का हॉल है। अच्छा, तो फिलहाल कुछ चार्ज वगैरह तय हुआ है इसका? ये मेरे ख्याल से कमीशन कल तक तय कर लेंगे, पर हमने एक मीटिंग लेके कहा है कि उनको 5,000 से भी कम लो, कॉर्पोरेशन का डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, कॉर्पोरेशन को 1 रुपया पैसा लगाना नहीं पड़ा, ये पूरी सरकार की नीति है। स्टेज भी बना दिए, लाइट भी लगा दिए, बस कुर्सी लाइए, थोड़ा सा डेकोरेशन कीजिए और अपनी फैमिली को यहाँ पर शादी के लिए दीजिए। शादी बहुत का इनॉग्रेशन है और शादियों का सीज़न भी चला, तो क्या शादियों की शादी करवा देते हैं? नहीं, हमने बहुत चाहा लेकिन लोगों का कहना था कि आज ही खोल दीजिए, यहाँ पर इतनी बुकिंग है कि एक दिन भी अभी रुक नहीं सकते, सिर्फ थोड़े बहुत काम थे, तो इससे मैंने आज कहा कि ओपनिंग कर लो, काम सब मुकम्मिल हो गया। और यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की आवाम इसका ख्याल रखेगी। कॉर्पोरेशन को कल हमने कहा है यहाँ पे दो वॉचमैन रखो, साफ सफाई रखो, क्योंकि इस हॉल में कॉर्पोरेशन का कोई पैसा नहीं है, लेकिन पूरी इनकम किसको जाएगी? कॉर्पोरेशन को। हमने साफ सफाई, वॉचमैन, ये सब के लिए उनको कहा है, हमारी कोशिश रहेगी कि हॉल अच्छे से अच्छा रहे। रईस भाई, देखा ये जा रहा है कि जो फैब्रिकेशन जो स्ट्रक्चर है, ये भिवंडी में पहली बार बना है और 85 लाख की निधि है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसकी लाइफ कितनी होती है? देखिए, फैब्रिकेशन का मतलब है कि इसमें लोहा बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर कास्टिंग करते हुए भी दीवार कास्ट की गई है। फैब्रिकेशन कोई ऐसा नहीं है कि कोई मामूली, मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आयरन लगते हुए एक स्ट्रक्चर में नहीं देखा। इसकी लाइफ 15 से 20 साल तो ईजीली है,
आप खुद देख सकते हैं, पिलर्स देख सकते हैं। पर ये शादी का हॉल इतना खूबसूरत बना है, देखा ये जा रहा है कि इसकी जो रेख देख रखा हुआ है उसका क्या रखा है। देखिए ये इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कॉरपोरेशन का काम है, कॉरपोरेशन को उसको हैंड ओवर किया है, यहाँ के आवाम और कॉरपोरेशन की कल डिटेल मीटिंग करवाई है। हॉल कॉरपोरेशन तो ख्याल रखेगी लेकिन सबसे पहले आवाम को रखना है, आवाम को भी जिम्मेदारी दी है, कॉरपोरेशन को भी जिम्मेदारी दी है। कल CCTV भी लगा के दे रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आवाम इसका ख्याल रखे। अभी हम सब बैठ के दिखा के आपको बताते हैं।